तो जय नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और YouTube वीडियो में। और क्रिकेट की दुनिया में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, जो कि हम अमूमन सी बात है कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अभी उस तरह की नहीं है कल की, हमने वीडियो में आपको बताया। और आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, तो बहुत सारी खबरें हमने मिस कर दी हैं और बॉलीवुड से रिलेटेड भी बहुत सारी खबरें मिस की हैं। क्रिकेट से तो फिर होना ही होना थी, तो उसी में एक खबर जो निकल के आ रही है, जो एक वीडियो हमने बड़े टाइम पहले बनाया था, आपने बहुत अच्छा उस पर रिस्पॉन्स दिया, बेबी एबी को लेकर, जो एक साउथ अफ्रीका क्रिकेट में एक नया नाम उभरता हमें दिख रहा है, बेबी एबी यानी कि डेवाल्ड ब्रेविस का, जिनका मतलब स्टांस और सारी चीज़ें, मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि ये बंदा क्रिकेटर बनने कम और एवी डिविलियर्स बनने ज़्यादा आया है। वो वही कुछ दिखता नज़र आ रहा है। अपनी पसंद इसने बताई कि मैं विराट कोहली और एवी डिविलियर्स को पसंद करता हूँ और मैं आरसीबी से खेलना चाहता हूँ। तो उन्हीं सारी खबरों को मद्देनज़र रखते हुए ये खबरें निकल के आ रही हैं कि आरसीबी इस बच्चे में, इस लौंडे में इन्वेस्ट करना चाहती है आने वाले ऑक्शन में, जो 12 और 13 फरवरी को होना है बेंगलुरु में। ऑक्शन को लेके सारी तरफ जद्दोजहद मची हुई है, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में आएगा, मेगा ऑक्शन होने वाला, दो नई टीमें इस बार जुड़ी हैं आईपीएल में। तो मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात एक बार फिर से करना चाहिए। आपकी क्या राय है कि ये बेबी ये भी एक बार फिर से, जैसा कि हमें पता है कि इस बार बेंगलोर में आरसीबी में हमें एबी डिविलियर्स खेलते नहीं देखेंगे, उन्होंने क्रिकेट के सारे प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है और विराट कोहली ने भी जो है वो स्टेप डाउन कर लिया है कैप्टनसी से, तो हमें एक बार आरसीबी का नया रूप देखने को मिलेगा। तो क्या इस नई आरसीबी में हमें एक नया बच्चा जो कि बिल्कुल हूबहू कॉपी है एवी डिविलियर्स का, वो हमें देखने को मिलेगा? क्या कमी पूरी कर पाएगा ये आरसीबी में एवी डिविलियर्स की, वो भी देखना दिलचस्प होगा। आरसीबी क्या सोचती है आरसीबी में ऑक्शन में, वो हमें पता चल जाएगा कि आरसीबी इस बच्चे में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये आना चाहिए, इस आईपीएल का और मज़ा दुगना होना चाहिए। दो नई टीमें भी आईपीएल में आ रही हैं और इस बार मैचेस भी ज़्यादा होंगे, ऑक्शन भी मेगा ऑक्शन होना है, बहुत सारे प्लेयर्स इधर की उधर आपको जाते देखेंगे, नई टीमों की भी नई जर्सी आएगी, नए लोगोज आएंगे, नए नाम आएंगे, लखनऊ ने अपना नाम जो है वो अनाउंस कर दिया है, और भी कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो बहुत सारा कुछ होना है। तो उसी पर मुझे लगा, मेरे ख्याल से तो इस बच्चे को जो है वो आरसीबी में ही खेलना चाहिए, क्योंकि पिक्स बड़ी वायरल हुई थी, इसमें ये आरसीबी की जर्सी पहने दिख रहा था, उसने बोला भी था विराट कोहली एवी डिविलियर्स मेरे फेवरेट है, एवी डिविलियर्स तो कितने फेवरेट है, इसके खेल से ही पता चलता है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस उसने किया है अंडर 90 वर्ल्ड कप में, आप देखें जितने भी मैच खेले हैं, दो शायद से 90s में आउट हुआ है, एक 100 भी है इसका और एक 50 भी है, मुझे उतना क्लियर नहीं पता लेकिन इतना मैंने देखा है। तो इस बच्चे को आरसीबी को इस बच्चे में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसको अपनी टीम में लाना चाहिए, विराट कोहली के अंडर ये खेले, देखते हैं एवी डिविलियर्स किसी नए रूप में आरसीबी से जुड़ते हैं, उनके अंडर ये खेले, तो ये बच्चा जो है वो ना कि आरसीबी के लिए ही बल्कि साउथ अफ्रीका क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ा नाम उभर के आ सकता है। तो देखते हैं क्या होने वाला है, 12-13 फरवरी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उन पर भी अपनी नज़रें गड़ाए रहेंगे। तो उन सबको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को ऑल पर कर दें और थोड़ा सा मैनेज कर लें, समय बता रहा हूँ, तबीयत भी उस तरह की नहीं है, वर्कलोड भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो आपको रेगुलर अपडेट नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही समय मिलेगा सारी अपडेट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। तो उन सब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के रखें, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।